अब कुछ लोग यहाँ पे जो तार लगा हुआ है ना इसके ऊपर चढ़ के थोड़ा सा कलाकारी कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरीके से अपना जान को जोखिम में डालना, कितने भी तैराक हों, बड़े बड़े तैराक नदी में, और वो भी इस तरह की उभनती हुई नदी में, बड़े बड़े तैराक भी फेल हो जाते हैं और डूब जाते हैं। अबे मेरे को भी तो पूछो साले, मेरे को भी तो पूछो, अपने अपना भरे जा रहे हो, भोजो जा रहे हो, चप्पल पल पूरा फंस गए। आप भी आ गए हो भाई मेरे ब्लॉग में, आप लोग का चप्पल भी आ गया। स्पीड ले जा, गिर जा, थोड़ा सा कंटेंट अच्छा बन जाएगा। अरे गिरना भाई, गिर भी नहीं रहा तू यार, गिरेगा तो। देख रहे हो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग एक गाड़ी में चार लोग बैठ के जा रहे हैं और एक पीछे खड़ी हुई है मुड़ा के, पांच लोग बैठेंगे गाड़ी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले भाई चले गए पांच, पांच सवारी बैठ के जा रहे हैं भाई। ये कहाँ हो सकता है, ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। अभी मलान छोड़ू वाटरफॉल के जस्ट सामने और आप देख सकते हैं वाटरफॉल का नज़ारा बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, और मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं यार क्या बोलूं इस चीज़ के बारे में जो मेरे को सामने ये नज़र आ रहा है। इस खूबसूरती को बयान किया नहीं जा सकता शब्दों में। यहाँ पे हम लोगों के अलावा और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जो कि देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। अब कुछ लोग यहाँ पे जो तार लगा हुआ है ना इसके ऊपर चढ़ के थोड़ा सा कलाकारी कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरीके से अपना जान को जोखिम में डालना, क्योंकि पानी बहुत तेज़ है, पानी का स्पीड को देखो आप, बहुत तेज़ है पानी। यह जितना खूबसूरत है उतना ही ख़तरनाक भी है, और पानी के साथ बिल्कुल भी खेल करना मैं समझता हूँ कि यार बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये नदी का पानी है, कोई नहर का पानी है नहीं कि आप कूद जाओ और निकल जाओ। कितने भी तैराक हों, बड़े बड़े तैराक नदी में, और वो भी इस तरह की उफनती हुई नदी में, बड़े बड़े तैराक भी फेल हो जाते हैं और डूब जाते हैं। ये वही नदी है जो हमारे शहर के बीचों बीच से निकलती है, दूध नदी। बहुत से लोग बोलते हैं कि दूध नदी का उद्गम स्थल जो है वो मलान छुड़ुम है, लेकिन मलान छुड़ुम नहीं है। मलान छुड़ुम तो सिर्फ एक छोटा सा वाटरफॉल है, और ये जो उद्गम जो स्थल जो है इसका दूध नदी का, वो आमाबेड़ा एक गांव है, यहाँ से लगभग कांकेर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके भी और आगे अंदर जंगल से कहीं से ये नदी जो है ना वो बनती है, और फिर आमाबेड़ा होते हुए फिर ये मलान छुड़ुम होते हुए फिर ये कांकेर आती है, और फिर कांकेर से फिर वो आगे और फिर
जाके फिर आगे और दूसरी नदियों में मिल जाती है। ये देख रहे हैं ये कितना खतरनाक है, ये नीचे बड़े बड़े चट्टान है, ये काफ़ी गहरा है। पिछले वाले वीडियो में आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये जो जगह है काफ़ी गहरा है। यहाँ पिछली बार कुछ लड़के नहा रहे थे, पिछला वाला वीडियो आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ गया काफ़ी गहरा है और बड़े बड़े चट्टान है इसके नीचे में। अगर कोई बंदा अगर सामने से अगर गिर जाता है तो फिर ये जो पानी है कभी अंदर लेके जाएगा, कभी फिर बाहर लेके आएगा, फिर कभी अंदर लेके जाएगा, तो वो उसमें होता क्या नीचे ना पत्थर में फिर तो चोट जो लगता है ना, वो चोट जो है वो वजह बनता है लोगों के मौत का, जो वजह बनता है वो पत्थर में लगने की वजह से बनता है। बड़े बड़े तैराक भी उसमें फेल हो जाते हैं। ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े चट्टान हैं। तो इसलिए कभी भी अगर इस ऐसी जगहों पे जब भी आप आएँ तो थोड़ा सा दूरी बना कर रखें। मैं खुद भी देखो काफ़ी दूर खड़ा हुआ हूँ, ये सीढ़ी जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये सीढ़ी में पानी नहीं है, इसके जब इसके जस्ट नीचे वाली जो सीढ़ी है उसमें पानी है। तो थोड़ा सा सेफ्टी का ख्याल रखें और पानी के साथ भैया खेल ना करें। खूबसूरती का नज़ारा लेना है थोड़ा दूर से लें, एकदम करीब जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप कितने भी बड़े तैराक क्यों ना हो। तो चलिए थोड़ा सा ड्रोन उड़ा के देखते हैं ड्रोन का नज़ारा कैसा मिलता है। जब हम लोग आए उसमें पानी गिर रहा था, तो उस समय तो पॉसिबल था नहीं ड्रोन उड़ाना, भी थोड़ा सा पानी रुक गया है। तो अभी ड्रोन उड़ा के देखते हैं और ऊपर की खूबसूरती का नज़ारा लेते हैं। सरजील मेरे भाई, लास्ट टाइम आए थे और अभी आए हैं, दोनों में ज़्यादा मज़ा कब आया था? ये लास्ट टाइम हम लोग ऊपर भी चढ़े थे ना, इस क्या मतलब? हाँ, ये भाई के पास क्या है, एंडेवर है। तो ये क्या हमेशा सोचते कि मेरे कार में जाना है, कार में जाना है, कार में जाना है, समझ रहे हो? तो मैं ज़बरदस्ती लेके आया हूँ उन लोगों को स्कूटी में, चलो इस बार स्कूटी का मज़ा लेते हैं, पानी में थोड़ा सा चलते हैं रेनकोट पहन के। अभी भी लोग कंटिन्यू आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। कैसा लगा आपको यार ये बताओ, मज़ा आया? एक मज़ा और ले सकते हैं अगर ऊपर अगर चढ़ेंगे तो। ये सीढ़ी है, लास्ट टाइम हम लोग यहाँ से ऊपर गए थे और ऊपर का नज़ारा यार, हा 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 भाई चलें ऊपर। नहीं, लोग दोनों लोग ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहे, पैर में लग गया क्यों, क्योंकि दोनों कर रहे भाई ना, नहीं ऊपर चढ़ना है मेरे को तो चढ़ना है। चलो
अरे यार ऊपर जाना चाहते हैं मगर दिक्कत ये है कि पानी गिरा हुआ है, फिसलन बहुत ज़्यादा है सीढ़ी में और चढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। लास्ट टाइम हम लोग ऊपर गए थे, ऊपर का नज़ारा ही बहुत शानदार था, बहुत मज़ा आया था ऊपर जाने के बाद, लेकिन इस बार थोड़ा सा दिल नहीं कर रहा ऊपर जाने का क्योंकि पानी भी गिर रहा है कंटिन्यू। अभी थोड़ा देर के लिए रुका है, फिर पानी चालू हो जाएगा। और मेन चीज़ क्या है ऊपर ना, ऊपर भाई सीढ़ी में फिसलन भी बहुत है। चप्पल पहने यार, भाई मैं भी चप्पल पहना हुआ हूँ, चप्पल में ये सब काम नहीं होता है। ये जो हमारा भाई है ना सरजील, कभी भी जेब में पैसा लेके नहीं चलता, हर जगह बोलता है गूगल पे फोन पे से काम हो जाता है। भाई गूगल पे फोन पे से तेरा काम हो जाता है हमेशा, पैसा लेके तू चलता नहीं। यहाँ पे है गूगल पे फोन पे? अरे गूगल पे भी हो जाएगा। अरे मेरे भाई एक नंबर यार, देखो ऐसी जगहों पे भी देखो भाई साहब गूगल पे फोन पे रखे हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ अगर बिना पैसा के भी आओगे ना गूगल पे फोन पे लेके तो काम हो जाएगा आपका भाई। अगर जैसे भैया पास तेल है अबे मेरे को भी तो पूछो साले, मेरे को भी तो पूछो, अपने अपना भरे जा रहे हो बोझे जा रहे हो। ये देख रहे हैं आप, ये रास्ता है मलानकुंड वाटरफॉल जाने का, इसमें कार चलती है बरसात के बाद और बरसात से पहले। बरसात में पैदल चलना भी मुश्किल होता है, पूरा पानी जो है ना ये पहाड़ का पानी है, रास्ते से ये होके ये रपटा से होके ये निकल रहा है, देखो ये नाला बन जा रहा है, फिर ये चले जाएगा नदी में। क्या तेज पानी है, देख रहे हो व्यू इतना प्यारा है, इतना प्यारा है यार कि मैं क्या बताऊं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहीं तो 4 घंटे बैठे रहूं मस्त। यह रास्ता है, बीच बीच में कहीं कहीं पे एकदम दलदल हो गया है क्योंकि मुरुम डाला हुआ था और पानी गिर गया, वो पूरा ना दलदल टिप का हो गया है, बैठा नहीं था मुरुम सही तरीके से। अगर मुरुम अगर आपका उस दिन बैठ जाए ना तो फिर वो एकदम पत्थर से हार्ड हो जाता है, लेकिन बैठा नहीं रहा होगा, नया नया मुरुम डाले होंगे, पानी गिर गया होगा तो पूरा दलदल हो गया, देखो कैसे फंस गए हैं चप्पल पल पूरा फंस गए। आप भी आ गए हो भाई मेरे ब्लॉग में, आप लोग का चप्पल भी आ गया सीजी एक्सप्लोरर करके जी, सीजी एक्सप्लोरर ठीक है, इधर से आ जाओ, इधर से आसान है। क्या हुआ भाई आपका चप्पल घूम गया क्या नीचे? देख रहे कितना भयानक टक्के कीचड़। चलो भाई चले, मैं निकलता हूँ आगे, देखो चलो रोड में गाड़ियां देख सकते हो बहुत सारी खड़ी है और ये वाटरफॉल के काफी दूर ही खड़ा कर दिए, कुछ गाड़ी फंस भी गई है, देखो पीछे गाड़ी इको है शायद तक, इको स्पीड ले जाना यार है ना, स्पीड ले जाओ, थोड़ा स्पीड ले जाओ, गिर जा थोड़ा सा कंटेंट अच्छा बन जाएगा, बस गिर जाओ गिर जाओ।
आगे जाके गिर, ताकि क्या है ना वो लगे भी नहीं कि जानबूझ के गिरा है। गिरना भाई गिर भी नहीं रहा तू यार, गिरेगा तो। अरे कहीं से बचा लो ना यार। अरे यही चलता हूँ, यही चलाए थे पर इधर फंस जा गए। भाई हमारा हैवी ड्राइवर है, अपने पास एंडेवर रहेगी ना, यहाँ से लेके जाते हैं। अरे यार एंडेवर रहने से वाकई यहाँ से लेके, यहाँ से लेके जाते हैं। अरे वो तो वाटरफॉल तक चले जाता, वो ऊपर भी चढ़ा देते, ऊपर चढ़ा देते साले, सीढ़ी चढ़ने का टेंशन ही। हम लोग जो रहते हैं ना बिल्कुल एकदम नेचर के बीचों बीच रहते हैं भाई, प्रकृति की गोद में हम लोग बैठे हुए हैं। सब तरफ पहाड़ है, सब तरफ जंगल है, नदी है, झरना है, हैं और साथ में जंगली जानवर भी हैं जबरदस्त एक से एक। यहाँ भीड़ किस बात की है समझ सकते हैं आप, क्या मिल सकता है जहाँ इतनी भीड़ रही है, बोलने वाली बात नहीं। हमारे यहाँ ना, हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर भीड़ अगर कहीं अगर नज़र आएगा तो समझ जाना वहाँ क्या मिल रहा है। सामने पुल ना, ये पुल पूरा भरा हुआ था कल रात को, पुल के ऊपर से पानी चल रहा था। अब ये पुल का हाइट देख सकते हो आप, हाइट कितना है, पानी अभी जहाँ नीचे से जा रहा है ना उसके लगभग 6 फीट लगभग गैप होगा, अभी भी 6 फीट के आसपास गैप होगा, और इससे ऊपर 1.5 फीट मान के चलो आप पुल है, तो ये कम से कम 7 से 8 फीट ऊपर से पानी चल रहा था। अभी जो जिस हाइट पर पानी चल रहा है इससे भी 7 से 8 फीट ऊपर से जा रहा था पानी, और ये पूरा भरा हुआ था ऊपर। मैं आपको पुल के ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ, पूरा कचरा जो है वो ऊपर में अभी भी है, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो कैसे तुम 4-4 जन बैठ के जाओ गाड़ी में, ये देख रहे हो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग एक गाड़ी में 4 लोग बैठ के जा रहे हैं, और एक पीछे खड़ी हुई है मुड़ा के 5 लोग बैठेंगे गाड़ी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे यार 5-5 लोग कौन बैठते हैं यार एक तो गाड़ी में, मेरे को ये बताओ। ये देखो ये कचरा देख रहे हो, ये सब जो है ना ये आगे और कचरा दिखाता हूँ मैं। वो देखो ओ दे 5 लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में यार, 5 लोग कौन बैठते हैं भाई गाड़ी में। वो दे भाई चले गए 5। सवारी बैठ के जा रहे हैं भाई, ये कहां हो सकता है, ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। हाँ एक गाड़ी में हम लोग, हाँ एक गाड़ी में हम लोग 3 लोग नहीं जाएंगे बोल के। सही है,